आज तक आपने वजन घटाने के बहुत से तरीके देखे और आजमाए होंगे, लेकिन जो टेक्निक आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें ना तो आपको डाइटिंग करनी है और ना ही कोई मुश्किल एक्सरसाइज, ना ही कोई महंगी दवाइयाँ लेनी है और ना ही अपनी रेगुलर डाइट को कम करना है। ये एक बहुत ही आसान सी टेक्निक है जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स। इसे करना भी बहुत ही आसान है और अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो बिना किसी मेहनत के आप आसानी से वजन घटा सकते हैं। ये सदियों से इस्तेमाल होती आ रही एक जापानी टेक्निक है जिसका आविष्कार जापानी डॉक्टर तोशिकी फुकुत्सुजी ने किया था। उनकी एक किताब है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि एक सिंपल टेक्निक फॉलो करने से ही कैसे आप अपनी बैक की प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं, कैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, सही पोस्चर होना कितना जरूरी है और कैसे इसी टेक्निक से वजन भी घटाया जा सकता है। ये किताब एशिया में उनकी बेस्ट सेलर रही जिसकी 6 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ही लोग इस टेक्निक का फायदा ले चुके हैं और अब बारी आपकी है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक बड़े साइज का टॉवल और हर रोज के सिर्फ 5 मिनट। बस 5 मिनट में ही ये टेक्निक अपना जादू दिखा देगी। तो चलिए देखते हैं किस टॉवल के साथ हमने करना क्या है। सबसे पहले एक टॉवल ले लें। अब इसे फोल्ड कर लें। इसके बाद इसे ऐसे रोल कर लें। ये करीब 15 इंच लंबा होना चाहिए और 4 इंच चौड़ा। अब इसे किसी धागे से बांध दें ताकि ये आसानी से खुल ना जाए और बिल्कुल ऐसे ही टाइट रहे। अब आप किसी हार्ड सरफेस पर बैठ जाएं, जैसे कि जमीन पर या किसी हार्ड बेड पर, लेकिन नरम गद्दे वाला बेड नहीं होना चाहिए। अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो आप योगा मैट या कोई दरी भी बिछा सकते हैं। अब अपनी नाभि के सीध में और बैक के नीचे इस टॉवल को रखते हुए सीधे लेट जाएं। ध्यान रहे कि इस टॉवल की पोजीशन बिल्कुल आपकी नाभि के नीचे होनी चाहिए। जितनी आपकी बाजुओं की चौड़ाई है उतने दूर अपने दोनों पैर रख लें। फिर दोनों पैरों के अंगूठों को एक दूसरे से इस तरह से मिला लें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाएं। अब अपनी सबसे छोटी उंगलियों को जोड़ते हुए हथेलियां नीचे की तरफ कर लें। अब 5 मिनट के लिए इसी पोजीशन में बने रहिए। शुरुआत में आपको ये करना मुश्किल लगे तो 1 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे 5 मिनट पर आ जाएं। इस टेक्निक को करने के बाद झटके से ना उठें। पहले साइड की तरफ पलटें, अब टॉवल को हटा दें और इस तरह से उठें। बैठकर गहरी सांस लें और फिर उठ जाएं। तो बस हर रोज 5 मिनट के लिए आपने बस इतना ही करना है और फिर देखिए कैसे आपकी चर्बी कुछ ही दिनों में कम होने लगती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। उनकी स्टडी के मुताबिक जब हमारी पेल्विक बोन यानी कि कूल्हे की हड्डी अपनी जगह से हिल जाती है तो इससे पेट के आसपास चर्बी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ये टेक्निक फॉलो करने से ये पेल्विक बोन अपनी जगह पे लाई जा सकती है जिससे कि आपकी कमर कम होने लगती है। इस सिंपल टेक्निक से आपकी बॉडी एक सीध में आ जाती है और आपकी रीढ़ की हड्डी को भी सही पोजीशन में ले आती है। ये शायद सुनने में या देखने में बहुत आसान लगे, लेकिन इस पोजीशन में ऐसे 5 मिनट तक लेटे रहना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसे 1 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। इसे रेगुलरली करने से आपका वजन तो कम होगा ही, साथ ही आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा और अगर आपको बैक पेन की शिकायत रहती है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। इस टेक्निक को हर रोज करें और 1 से 2 हफ्तों में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। वैसे तो इस टेक्निक को करने के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको पहले से कोई स्पाइन की या बोन्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी बैक की प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे फॉलो करें। तो इस पावरफुल वेट लॉस टेक्निक के लिए डॉक्टर फुकुत्सुजी को थैंक्स करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।